ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 15 जनवरी को हुई रॉ के उस इंसिडेंट के बारे में जिसे देखकर सभी फैंस हैरान रह गए, जब कर्ट एंगल ने सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायर किया और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन बुरी तरह से बौखला गए तो उन्होंने हर जगह तबाही मचा दी और फिर जाकर उन्होंने बैक स्टेज एक ट्रक को पलट दिया। तो आपके काफी सारे कमेंट्स आए इस बात पर कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाओ कि आखिर क्या पूरा मामला था और मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वाकई में उस ट्रक को पलटा था और अगर नहीं तो ये सब कैसे हुआ। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अब शुरुआत से बात को लेकर चले तो 8 जनवरी की रॉ में हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर एंड केन ब्रॉल करते हुए बैक स्टेज पहुंचे जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन आया और उसके बाद उन्होंने एक हुक की मदद से एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को गिरा दिया ब्रॉक लेसनर एंड केन के ऊपर। अगर आप इस पर भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जिसके बाद अगली रॉ में हमने देखा जो 15 जनवरी को हुई थी, वहां पर कर्ट एंगल आते हैं और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायर कर देते हैं उनके इस कारनामे की वजह से और कहते हैं तुमने जो भी चीज़ सेटल करनी थी वो रिंग में करनी थी ना कि बैक स्टेज। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन बुरी तरह से पागल हो जाते हैं, वो हर तरफ तोड़फोड़ मचाते हैं ऑफिस में भी, साथ ही साथ उन्होंने सिक्योरिटी और कमेंट्री टीम में बैठे माइकल कोल को भी अपना निशाना बनाया। इसके अलावा वो पहुंचते हैं बैक स्टेज और वहां वो रखे एक ट्रक को फ्लिप कर देते हैं या मैं कहूं पलट देते हैं। और अगर आप मुझसे एक ही सेंटेंस में पूछना चाहें कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वहां पर वो जो ट्रक पलटा था वो अपने दम पर पलटा था, तो मेरा जवाब यही होगा कि ये इंपॉसिबल है इतने भारी ट्रक को पलटना। अगर आप जानते होंगे कॉन्टेस्ट होता है जिसे कहते हैं WSM यानी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, जिसका पार्ट एक बार मार्क हेनरी भी रहे थे, तो ऐसे में वहां पर उनका एक काम होता है कि वो बड़ी बड़ी कार को कंधों पर रखकर ले जाते हैं, इसके अलावा ट्रक को पुल करना, वहां पर अपना असली दम दिखाया जाता है कि किस आदमी में कितना दम है। और अगर वहां पर बैठा कोई आदमी वो देखे तो एक बार को ये इंसिडेंट देखकर उसकी हंसी भी छूट सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर WWE ने ये सब कैसे मैनेज किया। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहां में टायर के पीछे कुछ केबल्स हिलती हुई नजर आती है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि पीछे ऐसी कोई मशीन होगी जिसने मदद की होगी ब्रॉन स्ट्रोमैन को उस ट्रक को फ्लिप करने में, क्योंकि केबल्स को पीछे की साइड से ट्रक से बांधा गया था क्योंकि हमें पीछे का एंगल तो दिखाया नहीं गया, हमें साइड से और ट्रक के ऊपर से और साथ ही साथ सामने का एंगल दिखाया, पीछे के एंगल में हमें कुछ भी साफ नहीं दिखाया गया, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि किसी एक मशीन से केबल बांधी गई थी और उस केबल को अटैच किया गया था ट्रक से, जिसके बाद उस मशीन ने भी अपना जोर लगाया और साथ ही साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी ऐसा दिखाया कि वो ट्रक को फ्लिप कर रहे हैं और इस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमैन सक्सेसफुल इस ट्रक को फ्लिप कर पाए। अब अगर देखा जाए तो पूरे WWE में एक ही ऐसा सुपरस्टार है जो इस काम को करे और वो रियल भी लगे, तो वो खुद है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन और WWE ने ऐसा ही किया। लेकिन अब बात करें पहले की WWE की, तो वहां पर ऐसी चीजें होती थी जिन पर थोड़ा बहुत यकीन किया जा सकता था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE कुछ ज्यादा ही खुल रही है। हम पिछले एक इंसिडेंट की बात करें जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक और एम्बुलेंस को फ्लिप किया था, तो वहां पर आप देखें तो फिलहाल उस वीडियो पर 17 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पर, तो इसी बात से पता चलता है कि WWE को इस चीज से काफी फायदा होगा और रेटिंग भी मिली होगी, तो इसी वजह से WWE ने इस इंसिडेंट को फिर से दोहराया है। और आई एम श्योर WWE को इस बात से काफी फायदा भी होगा क्योंकि आगे रॉयल रंबल का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जो कि ब्रॉक लेसनर केन एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच, और ऑलरेडी WWE को पहले से ही काफी फायदा हो रहा है। अभी मैंने रिपोर्ट सुनी थी वहां पर ये पता लग रहा था कि रॉयल रंबल के लिए WWE को काफी अच्छी टिकट सेलिंग मिल रही है। खैर अब देखा जाए तो WWE इज ऑल अबाउट बिजनेस और बिजनेस के हिसाब से जो भी चीजें WWE को फायदा पहुंचाएंगी हमें WWE में वही चीजें देखने को मिलेंगी। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, कमेंट में बताना कि आप क्या कहना चाहेंगे इंसिडेंट के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रिमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।